गाजर गोभी का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजर और गोभी लिया है। इनको धो के पील करके कट कर लिया है। अब एक बर्तन में पानी गरम करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो सभी गाजर गोभी को इसमें डाल देंगे। अब 2 मिनट तक हम पानी में इसको ब्लांच करेंगे। 2 मिनट के बाद इसको गर्म पानी से निकाल लिया है और अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये और कुक ना हो। अब इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे इसके लिए या तो हमें धूप में सुखाना है, और अगर धूप नहीं है तो इस तरीके से कोई भी किचन क्लॉथ लेके उसके ऊपर इसको फैला देंगे और पंखे के नीचे रख के 2 घंटे तक इसे सूखने देंगे। अचार का मसाला बनाने के लिए हमें पूरे मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। एक पैन लेंगे, उसमें मैंने राई डाली है, 2 चम्मच राई थी, 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 3-4 लौंग और काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच पीली सरसों, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में। मीडियम गैस पे 2 मिनट रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच मीठी सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। 2 मिनट के लिए इनको हम और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच अब सूखा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन। इन सबको 1 मिनट और रोस्ट करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक एक कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल को तब तक गरम करना है जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। तेल ने अपना रंग बदल लिया। अब गैस बंद करेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। मसाला भी ठंडा हो गया। अब इसको एक जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। मसाला भी पीस कर एकदम रेडी है। इसे इस तरीके से दरदरा ही पीसना है। अब दोबारा से गैस ऑन करेंगे, उसको सिम पे करेंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच हींग डाली है और साथ ही में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन कूट के। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप सिर्फ इसमें अदरक ही डाल सकते हैं और इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन होने के बाद अपनी सारी वेजिटेबल जो हमने ब्लांच करके रखी थी इसमें डालेंगे। इसके अंदर अब मैं अचार का मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। अब इसके अंदर मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। देगी वाली मिर्च डालेंगे जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छा कलर भी देगी। अब इसमें 2 चम्मच मैं नमक डालूँगी। नमक अचार में हमेशा ज़्यादा ही डलता है। मीठे के लिए मैं 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें खांड डाल रही हूँ, देसी खांड। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं इसमें सिरका डालूँगी। सिरका जो है हमारे अचार को ख़राब होने से भी बचाएगा और इसको एक टैंगी टेस्ट भी देगा। अब हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे इसे। खट्टा मीठा गाजर गोभी का अचार एकदम रेडी है।